अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज के सेगमेंट ऑन रिपोर्टर के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। उखाड़ा दीपालपुर के नवाही मोहल्ला मकसूद आलम की रहायशी खातून ने घरेलू नचाकी पर खुदकुशी कर ली। उखाड़ा में खुदकुशी करने वाली खातून का खामत से झगड़ा हुआ था। खातून ने खामत के पिस्टल से खुद को गोली मार ली। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैरपुर में मंगरिया बरादरी का आपस में झगड़ा, 8 अफराद शदीद जख्मी जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। पुलिस ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हमला आवर जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और कानून के कटहरे में उनको लाया जाएगा। कश्मीर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें, इलाका मकीन और शहरी परेशान हो गए। शेख गारमेंट्स की दुकान से लाखों रुपए की नकदी और सामान चोरी हो गया। नामालूम चोरों ने हथियारों के जोर पर एक घर में घुसकर 5 भैंसे चोरी कर ली। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस चोरों के आगे बेबस दिखाई देती है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। पिंडी भटिया में चोरी की वारदात, चोर मौका पाकर घर में घुस गए, कीमती सामान चोरी करके फरार होने में कामयाब। सुबह मोहल्ला के लोगों ने बाहर बिखरा हुआ सामान देखकर 15 पर कॉल की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर लिया। ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। टेस्का में सोने चांदी की कीमत जहां पहले ही मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर होने वाले शराब बरादरी परेशान है, वहां नकाबपोश चोर खवातीन का गैंग आए रोज सोना खरीदने के बहाने जेवरात के डब्बे चुरा कर ले जाती हैं। वाकई की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाजे देखा जा सकता है कि दो खवातीन जेवरात के डिजाइन देख रही हैं और कितनी दीदा दलेरी से लाखों रुपए मालियत के सोने के डब्बे चुरा कर ले उड़ी। डहरकी की निजी कंपनी के करीब वीगो और मोटरसाइकिल में तसादुम, 16 साल नौजवान उसामा मौके पर जाँ बहक। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। मुरीद के जीटी रोड पर नौजवान मोटरसाइकिल सवार अवैध डोर फिरने से शदीद जख्मी, रेस्क्यू ने नौजवान की जान बचा ली। ऑन न्यूज के सेगमेंट ऑन रिपोर्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। देखते रहिए ऑन न्यूज।